हिंदू फायर ब्रांड हिंदू हुलियों की सियासत खतरे में, क्या नफरत बांटने वाले नेताओं का सियासत से होगा अंत, क्या धर्म की सियासत महंगी पड़ी इन नेताओं को। देखिए मेरे साथ हक की आवाज में, मैं हूं शकील अहमद बागमारे। 2014 में जब बीजेपी सरकार अधिकार में आई तब कहा गया कि मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है और हिंदू खतरे में हैं, कहना बीजेपी के नेताओं ने शुरू किया और इसकी इतनी मार्केट अपने आईटी सेल के जरिए करवाई गई जिससे हिंदुओं के दिमागों में ये बात बैठ जाए और वो इसमें कामयाबी रहे। उसके बाद कई नौजवानों को तैयार किया गया जो अपने आप को कहने लगे कि हम हिंदू रक्षक हैं, हिंदुओं की रक्षा के लिए पैदा हुए हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुओं को बचाएंगे, कहते हुए लोगों के बीच आकर भाषण देने लगे हीरो बनने के लिए, अपने आप को हुली कहलवाने के लिए। नेताओं के साथ कई संगठनों के नौजवान भी सामने आए, मगर सच तो यह है कि अब तक हिंदुओं को ही पता नहीं चला कि वो कब खतरे में थे और 2014 से पहले इन पर क्या जुल्म हो रहे थे और 2014 के बाद इन्हें क्या फायदा मिला है। अगर आपके पास कोई जवाब है कि 2014 से पहले हिंदू खतरे में थे तो नीचे कमेंट करके बताइए। जो अपने आप को हिंदू रक्षक हिंदू हुली कहते हैं, जब किसी हिंदू को किसी हिंदू ने हत्या की या उसे धोखा दिया या किसी लड़की की इज्जत लूटा तब ये हिंदू रक्षक हुली सामने नहीं आते इनकी रक्षा करने, क्योंकि मारने वाला हिंदू है, जुल्म करने वाला धोखा देने वाला हिंदू है, तो इनके जबान पर सांप सूंघ जाता है, आवाज नहीं निकलती इन रक्षकों से। हाँ, जब किसी मुसलमान ने हिंदू की हत्या की या किसी लड़की के साथ रेप तो छोड़िए उसे छेड़ा भी तो ये अपने आप को हिंदू रक्षक कहलाने वाले हुली बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इसमें इनका फायदा होता है और टॉपिक भी हिंदू मुस्लिम वाला है। एक समाज को भला बुरा कहकर अपने आप को हीरो और हुली जो बनाना है इन्हें, क्या आपको ऐसे हुली पसंद हैं जो अपने फायदे के लिए अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। कन्नड़ा जबान में बाघ को हुली कहते हैं जो जंगल का जानवर है। इन हुलियों का किरदार भी देखा जाए तो किसी जानवर से कम नहीं और शहर को भी आज जंगल बना रखा है। जब कोई हिंदू के ही जुल्म का शिकार होता है और वो इंसाफ के लिए चीखता है चिल्लाता है तो उसे इंसाफ दिलाने के लिए ये लोग आगे नहीं आते। अब आप ही सोचिए ये कैसे आपके हीरो हैं और कैसे अपने हिंदू हुली बनाया है। नफरत डालने का काम तो इंसान नहीं कर सकता, ऐसे काम तो जानवर ही कर सकते हैं। अगर इंसान होते तो हर जुल्म पर आवाज उठाते, नफरत बांटने वाले काम ना करते, नौजवानों के दिमागों में धर्म का जहर ना डालते, कभी लौ जहाद तो कभी मुसलमानों से व्यापार ना करने की बात करना तो कभी झटका कट पर विवाद करना, यहाँ तक के देश के संविधान को तक बदल ने की बात करना, मस्जिदों को गिराकर मंदिरें बनाने के लिए उकसाना, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करके हिंदू रक्षक हिंदू हुली का फायर ब्रांड अपने आप को घोषित करना और ये हुली इलेक्शन आते ही एक्टिव हो जाते हैं, बाकी वक्त अपने बिलों में रेस्ट करते दिखाई देते हैं। मगर जिस पार्टी के लिए इन्होंने अपने आप को हिंदू हुली बनाया आज वही पार्टी इनकी राजनीति को ख़त्म करते दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के लिए जिन हुलियों ने टिकट मांगा था उनके टिकट कट होने के कतार में हैं। ये हैं हिंदू हुली एक्स एमएलए एक्स मिनिस्टर ईश्वरप्पा जो अपने नफरती भाषणों से काफ़ी मशहूर भी रहे। इनका टिकट पहले विधानसभा चुनाव में कट किया गया, फिर ये बगावत करने लगे तो मोदी जी ने इन्हें कॉल करके इनके मुंह में लॉलीपॉप थमा दिया, फिर इसकी मिठास अब तक चली। फिर जब
इन्होंने अपने बेटे के लिए एमपी टिकट मांगा तो हाईकमान ने टिकट नहीं दिया, तो फिर लॉलीपॉप को मुंह से निकाल कर अपनी जबान खोलते हुए पार्टी से बगावत करते हुए आज़ाद उम्मीदवार खुद चुनाव लड़ने का फैसला कर डाला है। जिसने अपने जिंदगी के 40 साल पार्टी और संघ के लिए दिए थे वो भी आज ग्राउंड से बाहर है। अब इनसे मिलिए, ये हैं आनंद कुमार हेगड़े, हिंदू फायर ब्रांड हिंदू हुली नंबर वन भी आप इन्हें कह सकते हैं। अब इनका भी टिकट खतरे में बताया जा रहा है। हिंदू हुली नंबर टू सीटी रवि नफरती भाषणों से अपने पहचान बनाने वाले आज खुद के टिकट के लिए अपने ही पार्टी से विनती कर रहे हैं। और ये एक ही ऐसे हिंदू हुली नहीं, बीजेपी के एक्स कर्नाटका राज्य अध्यक्ष नलीन कुमार कतील और एमपी प्रताप सिम्हा ने तो अपने आंख से आंसू भी निकाल दिए। जिस पार्टी में रहने के लिए एक मजहब को टारगेट करके हमेशा अपने भाषणों में विकास की बात कम और हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले आज खुद टिकट को गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके लिए वो हिंदू हुली बने फायर ब्रांड कहलवाए, अगर इन नेताओं का टिकट कट जाता है तो वो अपना वजूद ही इस पार्टी से खो देंगे। अब आप सोच रहे होंगे, जब मैं हिंदू हुली कह रहा हूं तो बसन गौड़ा पाटिल यत्नार जी को कैसे भूल गया, जो आज के सबसे बड़े हिंदू फायर ब्रांड हिंदू हुली माने जाते हैं। तो आपको बता दूं, अब लोकसभा के चुनाव हैं और इस वक्त एमपी टिकट के लिए जिन हिंदू हुलियों ने टिकट मांगा है मैं सिर्फ उनकी बात कह रहा हूं, और बाकी आप खुद समझदार हैं जो हुली का मतलब जान भी गए होंगे। इस बीजेपी पार्टी में एक ऐसा भी नेता है जिसने अपनी राजनीति सफर में एक बार भी धर्म की सियासत नहीं की और ना ही हिंदू मुस्लिम किया। वो नेता आज कर्नाटक की बीजेपी पार्टी का गॉडफादर बना हुआ है, जिसका एक बेटा एमपी तो दूसरा कर्नाटक राज्य का बीजेपी अध्यक्ष बना हुआ है, जिसके एक इशारे पर किसी का भी टिकट कट होता है और किसी को भी मिलता है। वो ताकत पूर्व मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने हासिल की है। कहने का मतलब साफ है, धर्म की गंदी सियासत करने वाले नेताओं का अंत होता है और सेकुलर नेताओं का अंत नहीं होता। उसी की जीती जागती मिसाल आज येडियुरप्पा हैं, जिन्हें हर तरह से इन्हीं के पार्टी नेताओं ने खत्म करने की कोशिश की मगर खुद ही खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। इस न्यूज़ को देखने वाले हजारों लाखों लोगों से मैं यही कहूंगा, नफरत बांटोगे तो नफरत ही मिलेगी और हाथ जोड़कर विनती करते ही रह जाओगे। इसीलिए अभी वक्त बाकी है, प्यार बांटना शुरू कर दीजिए, जिससे इज्जत भी मिलेगी और अधिकार भी। तो देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।